मॉम्स एंड चिल्ड्रन, प्रीति इज बैक अगेन। आज मैं बताने वाली हूँ फोनिक्स में ब्लेंड्स। व्हाट इज ब्लेंड्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लेंड्स, फर्स्ट इनिशियल ब्लेंड्स एंड सेकंड फाइनल ब्लेंड्स। तो ब्लेंड्स दो प्रकार के होते हैं। ब्लेंड मीन्स टू जॉइन टुगेदर। ब्लेंड मतलब होता है जॉइन करना, एक साथ वो लेटर को जॉइन करना और उसके साउंड्स निकालना, राइट? तो देखिए हम देखते हैं इनिशियल ब्लेंड का। हम देखते हैं इनिशियल ब्लेंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड अस बिगनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। मान लीजिए किसी भी वर्ड में आपको स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, वर्ड के स्टार्टिंग में कोई भी आपको ब्लेंड दिखे तो उसे हम इनिशियल ब्लेंड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है ब्लैक, तो अगर दे दिया कि ब्लैक में से आप इनिशियल ब्लेंड फाइंड आउट कीजिए, तो सबसे पहले हम बिगनिंग में देखेंगे ब्ल, ब्ल से क्या बना ब्लैक। इसी तरह से हम सेकंड भी रखी हूँ स्पिन, तो इनिशियल ब्लेंड्स का होगा क्या होगा इसका मतलब, मीन्स किसी भी वर्ड के हम स्टार्टिंग या बिगनिंग में देखेंगे तो इनिशियल ब्लेंड्स आपको दिखेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे इनिशियल ब्लेंड्स, राइट? इन ब्लेंड्स द लेटर साउंड डोंट चेंज देमसेल्व्स। द फर्स्ट लेटर साउंड इज लेटर लाउडर देन द सेकेंड वन। मीन्स जब हम इसको रीड करेंगे तो आप देखिएगा ये फर्स्ट लेटर साउंड इज लाउडर देन द सेकेंड वन, मीन्स ये लाउडर रहेगा ब्ल ब्लैक ब्ल। इसको हमको कैसे पढ़ना है ब्ल स्प, इस तरह से बच्चों को बताना है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंड्स, राइट? ये हुआ इनिशियल ब्लेंड्स। अब मैं आपको बता रही हूं फाइनल ब्लेंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लेंड्स, मैंने आपको बताया अभी, सो आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अब ये है हमारा फाइनल ब्लेंड्स। तो फाइनल ब्लेंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड अस एंड ब्लेंड्स। मीन्स व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी वर्ड के एंड में हम देखेंगे, एंड में ब्लेंड रहेगा। फाइनल ब्लेंड हमेशा वर्ड के एंड में आपको दिखेगा, राइट? जैसे एंडी उंड, एंडी उंड, 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 तो हम बी ए लगा दिए तो बैंड, राइट? उंप, उंप, स्टाम्प, स्टाम्प, स्ट, ए, उंप, इस तरह से बच्चों को बताना है साउंड्स। साउंड्स बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, अगर आप छोटे से ही बताइएगा फिर वो आगे क्लास में जाएंगे। एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास का फोनिक्स है तो ये बच्चों को आता ही है, तो आपको ये घर पे ही सिखाना है, तो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। तो क्या हमने अभी देखा इनिशियल ब्लेंड्स में? हमने क्या देखा कि कोई भी वर्ड के बिगनिंग में अगर रहे ब्लेंड तो हम समझ जाएंगे क्यों क्या है इनिशियल ब्लेंड, और कोई भी वर्ड के एंड में रहेगा लेटर तो उसे हम समझ जाएंगे इट्स अ फाइनल ब्लेंड्स। मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, आप जाके देख सकते हो। ये मैंने ब्लेंड्स के रखे हैं, जैसे देखिए बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, मैं आपको बता रही हूं। इनिशियल ब्लेंड्स एंड फाइनल ब्लेंड्स मैंने एक साथ ही दे दिया है इसमें। तो एस पी को हमने जोड़ा स्पिन, स्प ई स्पिन। एंड को हमने जब ब्लेंड किया तो क्या आया उंड, ब ए उंड बैंड। बी एल को जब हमने ब्लेंड किया ब ल ब्ल, क्या गया ब्ल ए क। इसको हम सी, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, सी के अलग नहीं पढ़ेंगे क क पढ़ेंगे ब्ल ए क, इस तरह से हम पढ़ेंगे सी के टुगेदर, एक साथ ही पढ़ेंगे, राइट? तो ये आप ध्यान रखिएगा। प, इन दोनों को हमने जब ब्लेंड किया प को तो क्या बन गया हमारा उंप, उंप। तो इससे क्या वर्ड बना देखिए स्टैम्प, राइट? स्ट ए उंप स्टैम्प। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ड उ, दोनों को हमने ब्लेंड किया तो ड्रॉ बन गया ड्र ड्र ड्र। आप ऐसा साउंड कीजिए फिर बच्चों को भी बताइए। फिर इससे वर्ड क्या बना ड्र एस ड्रेस, राइट? और लास्ट ट उ, इसको हमने ब्लेंड किया तो क्या बन गया ट्र ट्र ए प ट्रैप। तो ये थे आपके क्या है, दीज आर ब्लेंड्स, इनिशियल ब्लेंड्स एंड फाइनल ब्लेंड्स, राइट? तो ये आप घर पे ही अपने बच्चों को बहुत आराम से बता सकते हो। तो इससे देखिए मैंने एक और रखा है, इनिशियल ब्लेंड्स के भी कुछ एग्जांपल्स रखे हैं एंड फाइनल ब्लेंड्स के भी मैंने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये मैंने एक्चुअली वीडियो लॉन्ग ना हो तो इसलिए मैंने पहले से ही कर दिया है। देखिए ये क्या क्या फाइनल ब्लेंड्स, लास्ट आ रहा है आप देखिए उंड उंड, देखिए इसमें फर्स्ट आ रहा है, ये आपका फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। इसमें क्या है हमें फिल इन द ब्लैंक बनाना है। इसमें देखिए सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ ब्लेंड, ये मैंने करवाया था
किसी बच्चे को, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग ब्लेंड में क्या है, स्टार्ट में जैसे ब्ल इनिशियल ब्लेंड आ गया राइट, फिर ड्र आ गया, ग्र आ गया, तो इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हो। इस तरह से मैंने वे बताया है, एक फिलिंदा ब्लैंक फॉर्म में आप बता सकते हो, एंड सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ ब्लेंड, तो आप ये भी बच्चों को बता सकते हो। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन, सो आप अपने बच्चों को बताना, तो बच्चे अगर सीख जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके थैंक यू, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज, अगर अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।